हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीबी टेक जोन। जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम कूलिंग टावर के बारे में सीखेंगे कैसे काम करता है। और आप देख रहे हो कि कूलिंग टावर का ये आपको सम्प दिखाई दे रहा है जिसमें फ्लोट वाल लगी हुई है, और ये कूलिंग टावर कैसे काम करता है ये सब कुछ सीखेंगे हम आज एनिमेशन के थ्रू, फोटो के थ्रू और प्रैक्टिकली। तो आप देख रहे हो ये कूलिंग टावर का FRP से बना हुआ कूलिंग टावर की फ़ोटो है, जो डबल कूलिंग टावर है एक ही सम्प में, क्योंकि ये 2000 KVA के लिए हैं, मतलब आपके 200 TR के हैं। और इसमें आप देख रहे हो कि ये वाटर का फ्लो हो रहा है, ये आउटलेट वाली लाइन, इनलेट लाइन बोलेंगे हम इसको, जिसमें आपका हॉट वाटर आता है, जो डीजी के सिटी पंप होते हैं उसके थ्रू आपका कूलिंग टावर में हॉट वाटर आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पोर्ट स्टैंडर लगे होते हैं इसकी इनलेट लाइन में। ये आप देख रहे हो कि ये सिटी फैन लगा हुआ है, सिटी मोटर, और उसको कवर किया हुआ, अर्थिंग किया हुआ है, केबल को भी अच्छे से प्रोटेक्टेड किया हुआ ताकि वो डैमेज ना हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखते हैं स्टेप टू स्टेप, सब चीज़ें देखेंगे कि कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कूलिंग टावर में फ्लोट वाल भी लगी होती है, उसके आपके जो सम्प होता है बेसिन, उसको वाटर को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे आपको फिंस दिखाई दे रही है और मेस दिखाई दे रही है, जिससे आपका वाटर फ्लो अप साइड से डाउन साइड में आता है तो ब्रेक हो जाता है, या फिर उसको फुहारे की तरह कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद ही आपके बेसिन में वो सब कुछ फील होती है। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी कूलिंग टावर होता है, वो जहाँ पे आपका DG या डीलर लगा होता है उससे ज़्यादा हाइट पे होता है, ताकि ग्रेविटी के थ्रू उसकी इनलेट में ऑटोमेटिकली जाए और सिटी पंप की हेल्प से वो रिटर्न में जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, बाईपास लाइन भी लगी होती है कूलिंग टावर की इनलेट लाइन में, जो लाइन आपकी डीजी में या चिल्लर में फीड करती है, ताकि कोई हैवी मटेरियल जो सम्प में इकट्ठा हो जाए वो डायरेक्ट मशीनरी में न जाए। और उसको कंट्रोल करने के लिए वॉल भी लगे होते हैं रिपेयर करने के लिए। अब इसमें ये पानी जाता कैसे, आप देख रहे हो यहाँ पे फोटो में कि ये सिटी पंप के थ्रू ये जाते हैं, और ये एक एक मशीनरी के लिए दो लगे होते हैं, एक स्टैंड बाय होता है और एक प्राइमरी होता है, मीन्स हम इनको स्टैंड बाय और वर्किंग बोल सकते हैं। तो अभी फ्रेंड, हम थोड़ा सा अपने ये वीडियो में देखा है, तो हम इसको देखेंगे अब कि कैसे फ़ोटो में ये सब चीज़ें लगी होती हैं और कैसे काम करती है, जिसमें आपको सभी पार्ट्स है वो दिखाई देंगे। सभी पार्ट्स में आप देखोगे कि कैसे ये काम करता है और कैसे कैसे कहाँ पर लाइनें लगी होती है। तो फ्रेंड, हम देख रहे हैं जैसे कि ये लाइनें ग्रीन कलर की होती हैं सिटी पंप की, जो फीड करती हैं। वीडियो में हम देखते हैं इस फोटो की हेल्प से कि इसमें क्या क्या पार्ट्स के लगे होते हैं। तो फ्रेंड, ये आपका FRP का बना होता है, FRP फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का बना होता है, और इसमें यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखोगे सिटी फैन होता है और मोटर लगी होती है। उसके बाद आप इसमें देखोगे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर डले होते हैं ताकि वो वाटर को रोकें। उसके बाद आपका यहाँ पे PVC का आपका पूरा नेटवर्क डिजाइन किया जाता है, जिसमें नोजल होती है, स्प्रे होती है, जिससे पानी आपका नीचे गिरता है। यहाँ पे आप देखोगे ये फिन्स होती है। फिन्स क्या करते हैं, जो ऊपर से पानी गिरता है वो नीचे बहुत ही ब्रीक होके गिरता है, मतलब स्प्रे करता है। स्प्रे होने से क्या होता है, फिर वो ब्रेक हो जाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा तो उसमें जो हीट होती है वो आपकी डायरेक्ट ऊपर चली जाती है एयर के प्रेशर के साथ में, क्योंकि जो सिटी फैन होता है उसका फ्लो अपर साइड में होता है। अब फ्रेंड, ये कूलिंग टावर किस लिए यूज करते हैं, ये हीट, ये आपका जो कूलिंग टावर, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये वाटर को कोल्ड करने के लिए किया जाता है। और वाटर कोल्ड क्यों किया जाता है, जब कोई मैकेनिकल मशीनरी चलती है उसमें जो पार्ट चलते रन होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उस टेम्परेचर को कूल करने के लिए फिर हम कूलेंट का या किसी ऑयल का यूज करते हैं, जो उसके अंडर इंटरनल मैकेनिज्म में होता है, लेकिन आउटर में उसको कूल करने के लिए हम क्या करते हैं, DG में जैसे कि हम कूलेंट का यूज करते हैं। तो ये फ्रेंड, यहाँ से जो कूलिंग टावर से जो वाटर सप्लाई इनलेट से जो जाती है, इनलेट से जो कोल्ड वाटर जाता है वो DG में जाता है, और हॉट वाटर आपका आता है गर्म होके यहाँ पे हॉट वाटर लाइन में, और ये प्रोसेस चलता रहता है, और आपका DG जो है वो लोड पे चलता है, तो ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है वाटर का। फ्रेंड, यहाँ पे क्या, आपने जैसे देखा कि ये कूलिंग फिल्म्स होती है, एयर सक्शन, तो ये काम कैसे करता है, ये वाष्पीकरण के उस पर करता है, वेपर बना देता है, इवेपोरेशन पे करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका ये हॉट वाटर यहाँ से, अभी आपने कूलिंग टावर में देखा है और आगे नेक्स्ट भी देखोगे थोड़ी देर में, कि ये यहाँ से वाटर स्प्रे होता है नोजल के थ्रू और नीचे गिरता है, वो टूट जाता है, ब्रेक होके गिरता है, बिल्कुल माइक्रो में पानी हो जाता है, जैसे कि टुकड़े हो जाते हैं आपके फाउंटेन से, या किसी भी आपके घर में जैसे आप फुहारे के नीचे नहाते हो तो उससे ये ब्रेक होता है।
जब फुल स्पीड में एयर नीचे से जाएगी, एयर सक्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये एयर सक्शन होते हुए तो वो जो उसमें हीट है पानी में वो निकल जाती है। तो ऐसे ही ये काम करता है। अब इसमें इसमें वाटर नीचे जो होता है वो कोल्ड वाटर होता है इसकी प्रोटेक्शन में, और यहाँ पे इसको मेंटेन करने के लिए फ्लोट वाल के थ्रू इनलेट वॉल लगा होता है। यहाँ पे एक इसका देखोगे कूलिंग टावर में एक ब्लीडिंग वॉल होता है, जिसमें क्या होता है अपर कोई फ्लोटिंग मटेरियल होता है ऑटोमेटिकली निकल जाता है। लेकिन एक यहाँ पे ओवरफ्लो वॉल भी होता है, अगर एक सम्प जो ऐसे ज्यादा लेवल से थोड़ा सा हाइट पे होता है, अगर ये फुल हो जाता है फ्लोट वाल वाले मेकअप से, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ड्रेन में जाना शुरू कर देता है। एक ड्रेन वॉल होता है, इसमें ड्रेन वॉल का क्या होता है, जब इसको आपको क्लीनिंग करते हैं तो ये पानी नीचे निकल जाता है। इसी में जब जो वाटर सप्लाई इसमें से जो इनलेट, ये इसको इनलेट बोलते हैं डीजी का, यहाँ पे जब जाता है तो यहाँ पे एक चीज होती है आपकी पोर्ट स्ट्रेनर, जिससे आपका कोई भी फ्लोटिंग मटेरियल हाई मटेरियल तो ताकि वो डीजी या किसी चिलर में ना चला जाए। वैसे अब हम ब्रांड देखते हैं कि वो कैसे एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करता है साइट पे आपका। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हो एनिमेशन के थ्रू कूलिंग टावर कैसे काम करता है, अभी हमने फोटो में देखा ही ऐसे कूलिंग टावर का डिजाइन होता है एनिमेशन में। तो आपकी जो ये रेड वाली लाइन है, इससे आपका हॉट वाटर आता है डीजी से या किसी भी चिलर से, और वो स्प्रे होता है डाउन में फिन्स के ऊपर, जैसे आपको फिन्स भी दिखाई दे रही है और हॉट वाटर दिखाई दे रहा है। ये स्प्रे सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन नोजल के थ्रू में, और यहाँ पे फिन्स भी लगी हुई हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जब हॉट वाटर आता है और नीचे जाता है, और नीचे से क्या होता है, जब सिटी फैन चलते हैं तो एयर जो होती है वो सक्शन के थ्रू फ्रेश एयर आती है और आपस में दोनों मीट करती हैं, तो आपका जो हीट होती है वाटर में वो रिमूव हो जाती है, वेपर में चली जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाती है। और इसका जो टेम्परेचर, जैसे कि वो 35 डिग्री सेल्सियस आता है तो 30 से 27 हो जाता है। आप देख रहे हो जैसे कि अब ये वेपर दिखाई दे रहा है कि कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ से फ्रेश एयर नीचे से एंट्री हो रही है और वो भी सीटी फैन चलने की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।